नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले कॉटन से। तो कॉटन में आज हमने देखा है कि सुबह के कार्रवाई सत्र में M6 कॉटन 38,000 के ही रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही थी, 38,000 के दायरे में ही कारोबार करती नजर आई थी। कॉटन में कोई ज़्यादा करेक्शन तो देखने को मिली थी, लेकिन इतनी भी करेक्शन देखने को नहीं मिली थी कि जो कीमतें हैं वो ज़्यादा लुढ़क जाएं। लेकिन जानकारों के अनुसार हो सकता है कि कॉटन का फरवरी वादा थोड़ा यहाँ से 38,000 के नीचे भी लुढ़कता नजर आए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल रुझान कॉटन में जो आगे है वो तेजी वाला ही रहने वाला है, ऐसा जानकारों का मानना है। तो कॉटन में अब यहाँ से कीमतें क्या रहेंगी जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। नमस्कार अमित जी, सबसे पहले बात करें यहाँ से अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में आज हमने देखा है कि हल्की सी करेक्शन है, 38,000 के दायरे में ही देखने को मिला था सुबह में। आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह कॉटन का वायदा बाजार MCX पर थोड़ा लुढ़क सकता है, 38,000 के नीचे जा सकता है? जी, फिलहाल तो जो दौर दिख रहा है, हमने देखा है कि 38,700 से लग जगह करेक्शन का दौर जारी है और ये करेक्शन एक से दो सेशन और जारी रहेगी, जहाँ पर प्राइजेस जो है वो 37,300 तक आ सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म अगर कोई ट्रेडर एक व्यू देना चाहते हैं तो 47,000 फिलहाल ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लंबी अवधि में अभी भी जो एक 39,500 से 40,000 का लक्ष्य है वो पेंडिंग है, तो इस करेक्शन के बाद सपोर्ट लेकर दोबारा जो बाजार है वो बढ़ सकता है। लोअर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गर लोअर सपोर्ट पोजिशनल बेसिस पे वो 36,600 के करीब है और ऐसा लगता है कि वहां पर प्राइजेस जो है वो रुक सकती है। जी, इसी के साथ अमित जी बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वादा देख रहे हैं 3200 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, करेक्शन भी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल अभी भी ऐसी एक रेंज में रहने वाला है? जी देखिए, जो पहला लक्ष्य था 3300 के करीब का, वो हासिल कर लिया इस हफ्ते में और उसके बाद दोबारा कंसोलिडेशन हो सकता है कि दिखाए, और एक करेक्शन वैसे भी लाजमी है क्योंकि लगभग 3040 से हमने लगातार तेजी देखी थी। तो ये एक शॉर्ट टर्म डिप की तरह मैं लेना चाहूंगा, 3180 से 3200 के बीच मुझे मेरा मानना है कि दोबारा बाइंग इनिशिएट हो सकती है और जो नेक्स्ट लक्ष्य रहेगा वो इमीडिएट बेसिस पे 3420 और पोजिशनल बेसिस पे 3350 का होगा। जी, इसी के साथ अमित जी बात करें यहाँ से अगर गौर कॉम्प्लेक्स की, तो गौर में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर रेंज बाउंड हो रखा है यहाँ पे। जी, ऊपरी स्तर से हमें करेक्शन डेफिनेटली देखने मिला है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सेशंस तक मेरा मानना है कि एक दायरे में कारोबार होगा जहाँ पर 6,300 से 6,450 के बीच प्राइसेस जो है कंसोलिडेट कर सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा हम 6,600 तक मीडियम टर्म यानी नेक्स्ट 2 हफ्ते में प्राइसेस को जाता हुआ देखेंगे। वहीं अगर गौर गम की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि लगभग 10,800 से लेकर, सॉरी माफ कीजिएगा, 11,500 से लेकर 11,600 के बीच अच्छे सपोर्ट हैं जो पिछले काफी समय से होल्ड कर रहा है बाजार, और ओवरऑल मेरा मानना है कि दोबारा हम 12,400 से 12,500 की स्तर देख पाएंगे, हालांकि इस व्यू पाने के लिए वंस अगेन 2 हफ्ते का समय लग सकता है। जी अमित जी, बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि धनिया एक बार फिर से 11,000 के ऊपर निकला है, जीरा 20,000 के करीब गया था कल के कार्रवाई सत्र में, लेकिन 21,000 का लेवल फिर से पकड़ लिया है। वहीं हल्दी में भी कुछ हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है, आपको क्या लगता है इस कारोबारी सप्ताह मसाला कॉम्प्लेक्स कैसा रह सकता है? देखिए, मसाला कॉम्प्लेक्स में डेफिनेटली जीरा जो है वो मार्केट लीडर की तरह रहेगा, क्योंकि इसमें 22,000 से 22,200 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो जो डिप आ रही है जब तक 20,000 के स्तर होल्ड करता है तब तक हाई डिप पे बाइंग करना सही निर्णय हो सकता है और 22,200 के लक्ष्य लेना चाहिए, तो ये एक टॉपिक होगा। वहीं हमने धनिया में दोबारा तेजी रिज्यूम होते हुए देखी है आज के सेशन में, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि हम 11,300 के लेवल देख पाए। हल्दी की अगर बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, क्योंकि हमने 11,100 से लगभग लगातार एक करेक्शन का माहौल देखा है, लेकिन यहाँ पर भी मीडियम टर्म बेसिस यानी अगर मैं एक महीने का व्यू लूँ
तो दोबारा मैं समझता हूँ कि 11,300 के ऊपर के स्तर भी देखने मिलेंगे। तो इसलिए जो लंबे अवधि के प्लेयर हैं वो यहाँ पर अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं ऑल द वे, जब तक बाजार 9,100 से 9,200 का स्तर होल्ड कर पा रहा है, यानी 600-700 पॉइंट की रेंज जो होगी वो अक्यूमुलेशन की होगी, और यहाँ से 1,500 पॉइंट ऊपर का पोजिशनल लक्ष्य लेके चला जा सकता है जी। इसी के साथ अमित जी बात करें अगर कैसे सीट की, तो कैसे सीट देख रहे हैं आप, 6,900 पर निकला है फिर से, आपको क्या लगता है क्या यहाँ से कैसर में फिर से रेंज देखने को मिलेगी, यहाँ से फिर से करेक्शन आएगी, या फिर यहाँ पर अब मान लिया जाए कि 7,000 के ऊपर के भी लेवल्स अब यहाँ से बन सकते हैं? जी देखिए, 6,850 का एक स्तर था जो हम काफी समय से चर्चा कर रहे थे, वो अभी हासिल हुआ है, और कहीं ना कहीं बाजार उसके आसपास या 6,800 में समझता हूँ कि होल्ड कर पा रहा है। जो नेक्स्ट जो लेवल है वो 7,050 से 7,100 का होगा, तो ये लाइकली है कि जो भी डिप आ रही है उसका फायदा उठाया जाए बाइंग करने के लिए 7,050 से 7,100 का लक्ष्य लेकर। और अगर उससे भी लंबी अवधि की हम चर्चा करें, यानी 1 से 1.5 महीने यहाँ पर भी देखें, तो मुझे लगता है कि 7,300 के स्तर देखने मिलेंगे। तो जो भी डिप हो इंट्राडे में वहां पर बाइंग की पोजिशन बनाई जा सकती है जी। अमित जी इसी के साथ बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपने लेवल दिया था 6,900 का, और जब आपसे बात हुई थी सोयाबीन की तो आपने कहा था कि आपका ये लेवल अभी पेंडिंग है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपका ये टारगेट अब धीरे धीरे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है लगभग, क्योंकि हमने सोयाबीन को कल को 6,750 पर ट्रेड करते हुए देख लिया था NCDX पर। अब देख रहे हैं कि विदेशों में भी लगातार तेजी बनती नजर आ रही है, अमेरिका से एक्सपोर्ट बढ़ गया है, चाइना इम्पोर्ट बढ़ा रहा है, ब्राजील अर्जेंटीना में जो सूखा है, जो ड्राउट केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन का ये वाला लक्ष्य बहुत जल्द हासिल होने वाला है? जी अब एक्चुअली लक्ष्य ज्यादा दूर है नहीं, क्योंकि जब हमारी बात व्यू की हो रही थी तब 6,300 से 6,350 तक के लेवल पे, आज हम 6,750 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो काफी हद तक जो लक्ष्य है वो हासिल हुआ है। 6,900 एक फॉर्मेलिटी है जो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगर प्राइसेस और निकलती हैं तो 7,300 यहाँ पर भी देखने मिलेगा, जो नेक्स्ट एक बड़ा लक्ष्य होगा जो आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने मिल जाएगा जी। अमित जी टॉपिक्स के देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? जी माफ कीजिए, अमित जी टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? जी मेरे हिसाब से जीरा में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है अभी ही, तो जीरा एक टॉपिक की तरह ले सकते हैं, और दूसरा कैस्टर सीड में भी बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 7,050 के लेवल जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अमित जी ने बताया कि जीरा और कैसर सीड में पोजीशन बना के चला जा सकता है, इनफैक्ट जो कैसर सीड है वो आने वाले दिनों में बाकी कमोडिटीज से काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। कैसर में भी अब जो रेंज देखने को मिली थी कैसर में आगे अब तेजी देखने को मिल पाएगी, फंडामेंटली कैसर सीड और टेक्निकली भी तेजी की ओर जाता नजर आ रहा है कैसर सीड का वायदा बाजार। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट MCV पर।